हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने एयरटेल सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एयरटेल सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एंड सिंपल से आप अपने मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट कर पाएंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपको अपनी एयरटेल सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ यूएसएसडी कोड बता रहा हूँ। उस यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से अपने एयरटेल सिम पर मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर पाएंगे। इसके लिए सिंपल से आपको डायल करना है *321*881#*321*881#, और सिंपल से आपको अपने एयरटेल सिम से कॉल लगा देनी है। अब जैसे ही आप अपने एयरटेल सिम से कॉल लगाते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है, फिर इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर मिस्ड कॉल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिंपल से आपको रिप्लाई वन प्रेस कर इधर पर सेंड कर देना है। तो रिप्लाई वन डालता हूँ एंड सेंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट उधर पर सबमिट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद आपकी मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस एक्टिवेट कर दी जाएगी, तो सिंपल से ओके पर आपको क्लिक कर देना है एंड जो भी आपकी मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस है वो इधर पर एक्टिवेट हो जाएगी। अब गाइस, अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको डायल करना है *321*883#, और सिंपल से आपको एयरटेल सिम से कॉल लगा देनी है। अब जैसे ही आप एयरटेल सिम से कॉल लगाते हैं तो इधर पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इधर पर बताया जा रहा है आपकी जो भी मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस है, इधर पर कोई भी तरीके की मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस एक्टिवेट नहीं है, इसलिए इधर पर नहीं डीएक्टिवेट किया जा सकता। तो मैं आपको बता दूं, एक्टिवेट करने की कुछ देर बाद ये एक्टिवेट होती है, तो इसलिए मेरे में नहीं बता रहा, बट आपको डीएक्टिवेट करने के लिए इसी यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल करना है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। सो गाइज, वीडियो सुना तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक्स वॉचिंग।